अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति यानी इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन की संपूर्ण अमेरिका में विभिन्न शाखाएं हैं जो साल भर में हिंदी के प्रचार के लिए तत्पर रहती हैं। ये संस्था प्रत्येक वर्ष अपने सभी सदस्यों संग विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है जिसमें शामिल होता है हास्य कवि सम्मेलन। IHA इस साल भारत के 3 प्रसिद्ध कवि प्रदीप चौबे, सर्वेश अस्थाना और आलोक श्रीवास्तव का 16 शहरों में हास्य कवि सम्मेलन आयोजित कर रहा है। रविवार 20 अप्रैल को IHA ने उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर शिकागो के साथ मिलकर इन तीनों कवियों का हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया। इस व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में यदि कुछ पल हास्य के हों तो कैसा रहे। वसंत के मौसम का स्वागत करते उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर शिकागो के सभी सदस्य हाल में आयोजित हास्य कवि सम्मेलन में बड़े चाव और उत्साह के साथ शामिल हुए। शुरुआत में जीवन को सकारात्मक अंदाज से जीते कवि आलोक श्रीवास्तव जी ने प्रवासी भारतीयों को अपनी गजलों और शेरो शायरी द्वारा प्रभावित किया। यूं कहा है कि ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में, ठीक हुआ जो बिक गए सैनिक मुट्ठी भर दीनारों में, वैसे भी तो संग लगा था पुश्तैनी हथियारों में, वैसे भी तो संग लगा था पुश्तैनी हथियारों में, और चांद अगर पूरा चमके तो उसके दांत खटकते हैं, चांद अगर पूरा चमके तो उसके दांत खटकते हैं, एक न एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में, चांद अगर पूरा चमके तो उसके दांत खटकते हैं, एक न एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। और ये एक शेर जो मेरी उम्र को शोभा नहीं देता लेकिन गजल में आ गया, यूं कहा कि नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है, नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है, सोच समझकर खुलना मिलना अपने रिश्तेदारों में। कवि सम्मेलन में व्यंगकार सर्वेश अस्थाना जी ने मंच का संचालन संभालते हुए भ्रष्टाचार, राजनैतिक, पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी कविताएं सुनाई। हमारे गांव में, मैं हरदोई जिले का बेसिक है, लखनऊ के पास एक सरगना चाचा है शुक्ला, तो वो बहुत ही तेज तनार चाचा है हमारे, और गांव भर उनसे आतंकित रहता है, वो हर समय ज्ञान की बातें बताते हैं, इसलिए कभी कोई नाम वाला उनके पास है ऐसा ज्ञानी के पास कोई नहीं जाता। वो उनको लेने यमदूत आ गया, अब वो चालाक भी बहुत है, बोले अमदूत आ गए, अच्छा खाना वाना खा लो, यमदूत तो शरीर मतलब ऐसे धर जाते हैं, किसी का रूप लेके आ जाते हैं, जैसे यहाँ तो प्रदीप चौबे जी के रूप में यमदूत आए, बोले अच्छा आ गए, खाना वाना खा लो। यमदूत बोला देखो पंडित जी, तुम्हारा नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, हम अपॉइंट किए गए, हमें 80 लोग ले जाने हैं, आपको टारगेट पूरा करना, बोले कर लेना, खा पी तो लो, चलना खा लेना। तो उसने खाया पिया उसको खिलाया, यमदूत को नींद आ गई, उन्होंने उसकी जेब से लिस्ट निकाली, अपना नाम काट के ऊपर से सबसे नीचे ले लिया। दो तीन घंटे बाद यमदूत जगह बोला, ऐसा पंडित जी खाना खिला दिया है, हम तो तुमसे बहुत खुश है, आज हम ऊपर से नहीं नीचे से सो रहे। लगातार कवि सम्मेलन में हंसते गुदगुदाते रहे। सर्वेश अस्थाना, प्रदीप चौबे और आलोक श्रीवास्तव तीनों कवियों के पास मानो कविताओं का खजाना हो। चौबे साहब ने सम्मेलन में कहा कि आज की तारीख में समझदार को इशारा काफी है, अपनी छोटी छोटी कविताओं में इशारों ही इशारों में उन्होंने सभी का दिल जीता। ऐसे फोटोग्राफर को जानता हूं जो हमेशा शादी जाकर फोटो खींचता था, एक बार उसकी ड्यूटी शमशान में लगी, मुर्दे का अंतिम फोटो खींचना उसका अभ्यास नहीं था, तो उसने जैसे ही अपना कैमरा मुर्दे के चेहरे पर फोकस किया, आदतन उसके मुंह से निकला स्माइल थी, ऑफर इतना जोरदार था कि मुर्दा भी मुस्कुरा दिया, अंजाम ये हुआ कि मुर्दा तो मुस्कुरा रहा था, फोटोग्राफर साफ कर दिया। एक किताब में सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था, क्या सुंदर था जी, 10 मिनट तक मैं हंसता रहा, सुंदरता भी हंसा सकती है अगर वो हिंदुस्तानी है, मजा लीजिए, किताब में लिखा हुआ था कि उस सुंदर औरत की दाई आंख इतनी सुंदर थी कि बाई आंख लगातार दाई को देखती रहती थी।
सम्मेलन के दौरान समुदाय में से कुछ को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ये उत्तर प्रदेश एसोसिएशन का 22nd कब सम्मेलन है। ये कब सम्मेलन इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन के सहयोग से होता है शिकागो एरिया में उत्तर प्रदेश एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे। और उत्तर प्रदेश जैसा आपको पता है कि शिकागो शहर में बहुत ही सक्रिय है। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा दिवाली का फंक्शन, तकरीबन हमारे पास में आज अभी 340 लोग हैं अभी हमारे हॉल के अंदर। और हम लोगों को ये ऑर्गेनाइज करने में तकरीबन एक महीना लगा कि टिकट्स प्रिंट करवाना और सबको फ्लायर भिजवाना। मोस्टली हम लोगों ने काफ़ी लोगों को जो है पर्सनली कॉल किया और यू नो पर्सनल टच हमेशा ही सबसे बेटर रहता है, तो वो हमने उनको फ़ोन करके जो है उनको इनवाइट किया। तो ये सब सबकी मेहनत थी, पूरे नई कमेटी की पूरी मेहनत थी। चलिए कार्यक्रम का रुख बदलते हैं और आध्यात्मिकता की ओर।